हेलो टू एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GHQ में जो रिसेंटली पोस्ट अनाउंस हुई है उसमें किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसका चालान किस तरह पे करना है। होप सो कि वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में आना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पर आपने टाइप करना है GHQ ऑनलाइन पोर्टल। तो जैसे ही आपने GHQ ऑनलाइन पोर्टल टाइप किया, ये देखिए इनकी वेबसाइट। सबसे पहली जो वेबसाइट है इनकी AMDTE, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, तो ये इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। और इसी वेबसाइट पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, इसी वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। तो ये देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन GHQ एज अ सिविलियन एम्प्लॉय। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये आपने ज़रूर इनकी जो गाइडलाइन है वो एक बार रीड आउट कर लेनी है। सो देखते हैं इसकी गाइडलाइन में क्या है। सो ये देखें, देर इज़ नो फीस फॉर पे स्केल 1 to पे स्केल 5 कैटेगरी, और जो 1 से लेकर 5 तक पे स्केल है उनके लिए कोई फीस चालान नहीं है इसमें। उसके बाद जो है 6 से लेकर 15, यानी जो बेसिक पे स्केल है वो 15 तक जो है उसके लिए फीस चलान है, वो बैंक अल हबीब में आपने जाके पे करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह जाके अपनी फीस ये डिपॉजिट करवानी है। तो उसके बाद सबसे पहले आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखें कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन कौन सी पोस्ट इसमें अनाउंस हुई है। तो ये देखें, सबसे पहली जो पोजीशन है वो असिस्टेंट की है। बेसिक पे स्केल जो है इसका 15 है, एज लिमिट जो है वो 18 से 33 है, और जो इसमें वैकेंसीज हैं वो टोटल 15 है, जिसमें मेरिट पे 2 हैं, पंजाब में 6 हैं। और इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट यानी मास्टर है। टाइपिंग स्पीड जो है वो आपके 20 वर्ड पर सेकेंड होने चाहिए। सो और भी बहुत सी पोस्ट हैं, आप जिसमें भी आपने अप्लाई करना है। ये देखें, स्टेनो टाइपिस्ट है, इसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो 21 है, पंजाब में जो है वो 8 हैं, मेरिट पे 2 हैं, और इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो 18 to 30 है, यानी मैक्सिमम जो एज है वो 30 है इसमें, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंटरमीडिएट है। उसके बाद ये देखें, डाटा ऑपरेटर है, UDC है, असिस्टेंट कैमरामैन है, फोटोग्राफर है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपने जस्ट यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने अप्लाई पे क्लिक किया, ये आपको ऑनलाइन फॉर्म पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, मे भी नेट स्लो होने की वजह से ये इतना कर रहा है, वरना वेबसाइट अभी ठीक चल रही है, आप अप्लाई करें। तो ये देखें, ये अप्लाई ऑनलाइन पे ले आया, आपको यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो ये देखें, इसमें जो अप्लाई है वो जस्ट वन पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पे स्केल 1 से लेकर 5 तक के हैं वो जस्ट रावलपिंडी या इस्लामाबाद वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनका डोमिसाइल रावलपिंडी या इस्लामाबाद का है वो बेसिक पे स्केल 1 से लेकर बेसिक पे स्केल 5 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक पे स्केल 6 से लेकर 15 तक के हैं वो ऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इसका फॉर्म देखते हैं और इसमें देखते हैं अप्लाई किस तरह करना है। तो आपने जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखें आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे ले आएगा, जिसमें 5 स्टेप्स हैं। तो ये 5 स्टेप्स कंप्लीट होंगे, देन ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो इसमें आपने CNC इंटर करना है। तो मैं अभी रैंडमली कोई भी कर देता हूँ आपको बताने के लिए कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल, जिस भी आपका प्रोविंस का डोमिसाइल आपने वो सेलेक्ट करना है, देन जी आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, देन आपने रीजन सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। अगर आप डिसेबल हैं तो बताएं, अगर नहीं है तो नो पे रहने दें। उसके बाद ये आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे कोड देना है।
हर किसी का डिफरेंट कोड होगा, ये आपने ख्याल करना है। ये आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जैसे ही इंटर करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा ये। तो ये देखें जी, स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब ये नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाएगा जो कि स्टेप नंबर टू है। तो उसके लिए अभी ये प्लीज वेट कह रहा है, तो देख लेते हैं कि और कितना टाइम लगाएगा ये जी। स्टेप टू पे आ गए हम। तो स्टेप टू में आपने बताना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सी पोस्ट हैं ये देखें, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे बतानी है। जैसे कि असिस्टेंट है, बेसिक पे स्केल इसका 15 है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपने, सॉरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने बतानी है। सो मैं कोई भी कर देता हूँ। उसके बाद आपने ये चलान जी, तो गाइस इसमें जो चलान है वो आपने सबसे पहले चलान पे करना है। वो चलान आपको यहाँ से मिलेगा जो कि आपने बैंक अल हबीब में जाके पे करना है, और उसके जो पेमेंट है वो बेसिक पे स्केल 6 से लेकर 10 तक जो है वो 200 है, और उससे अबव जो है वो 300 है, यानी 11 से लेकर 15 तक जो है उसके लिए आपने 300 डिपॉजिट करवाने हैं। और ये आपने किस तरह करवाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने इसका चलान डाउनलोड करना है पहले, फीस डिपॉजिट गाइडलाइन। जैसे ही आप फी डिपॉजिट गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको तमाम गाइडलाइन देंगे ये, कि आपने बैंक अल हबीब में जाके किस तरह आपने अपनी डिपॉजिट स्लिप बनानी है। ये देखें, ये 15 स्टेप दिए गए हैं, और ये 15 स्टेप्स ही यहाँ पे मार्क किए गए हैं, कि जो फर्स्ट में है वो आपने ब्रांच का नाम बताना है, और उसके बाद जो सेकंड में है वो आपने करेंसी। ये सारी डिटेल इन्होंने बहुत ही ये इजी प्रोवाइड किया गया है। ये आपने वहाँ पे जाके जस्ट आपने फिल आउट करनी है इनके मुताबिक। उसके बाद यह आपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे इनका जो है वो आपने पुट करना है। ये तमाम चीज़ें आपने करके उसके बाद आपने जो अपना चलान है वो लेकर यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी यहाँ पे आपने फिर बताना है डिपॉजिट स्लिप नंबर बताएंगे जो भी आपका वहाँ पे स्लिप नंबर होगा। मैं अभी कोई भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अमाउंट जिसमें आपने जितनी भी अमाउंट पे की है वो बतानी है, और उसके बाद डेट, कौन सी डेट, मैं अभी कोई भी डेट लिख देता हूँ। आपने उस डेट का, मैं अभी कोई भी डेट लिख देता हूँ। आपने उसी डेट की यहाँ पे एंट्री करनी है जिस डेट को आपने चालान पे करना है। उसके बाद बैंक ब्रांच लोकेशन आपने बतानी है कि कहाँ पे है, बैंक कोड बताना है आपने, उसके बाद आपके अगर फादर या हस्बैंड डाय, यानी आपके फादर या हस्बैंड ड्यूरिंग सर्विस डाय हुए हैं तो वो आपने बताना है, येस और नो में बताना है। अगर आप किसी और कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो आपने यहाँ पे बताना है, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो आर यू सर्विंग रिटायर्ड और गवर्नमेंट सर्वर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो आपने बताना है, येस और नो जी। तो गाइस अब हम नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टेप नंबर 3 है यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, तो मैं अभी कोई भी यहाँ से रहने वाली पिक्चर अपलोड करता हूँ अपनी। आपने भी इसी तरह अपनी कोई प्रोफाइल यहाँ पे देनी है, देन आपने फुल नेम यहाँ पे बताना है, उसके बाद आपने फादर नेम बताना है, उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस अपना पुट करना है, परमानेंट एड्रेस भी और उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस भी वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। देन आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है अपना, और मोबाइल नंबर जो भी देंगे वो आपका कन्वर्ट ना हो, ये आपने लाजमी ध्यान करना है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो ऑल टाइम एक्टिव हो।
इसके अलावा आपने यहाँ पे अल्टरनेट नंबर भी देना है, लाजमी देना है वो। मैं अभी कोई भी बस दे देता हूँ। देन आपने यहाँ पे ईमेल आईडी आपने पुट करनी है, और उसके बाद आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये फ़िलहाल यहाँ पे चार ही सेंटर हैं जहाँ पे टेस्ट होगा इसका। यहाँ पे ये चार सिटीज़ में ही यहाँ इनका टेस्ट कंडक्ट होगा। जो भी आपके नियरेस्ट रखता है तो आपने वहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है वो फोर्थ स्टेप है जहाँ पे आपने एजुकेशन डिटेल देनी है यहाँ पे। ये देखें, आपने यहाँ पे मार्क करना है मैट्रिक, उसके बाद ये डिग्री सेलेक्ट करनी है, मेजर सब्जेक्ट आपके जोन से थे, मार्क्स ऑब्टेन जो भी थे आपके वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स जो थे वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। डिवीज़न या ग्रेड जो भी बनी थी आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और जोन से बोर्ड से आपने की है वो आपने यहाँ पे बताना है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट का अपने डाटा यहाँ पे पुट करना है, बैचलर का, मास्टर का, ये सारी आपने यहाँ पे डिग्री आपने मेंशन करनी है। मैं भी यहाँ से आपको बता देता हूँ कि आपने ये सारा डाटा किस तरह यहाँ पे पुट करना है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह यहाँ पे अप्लाई करना है। आप ये सारे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपने ये सारा फॉर्म फिल आउट करना है। उसके बाद अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यहाँ पे मार्क कर दें, अगर नहीं है तो इसे अनमार्क ही रहने दें। देन जी ये देखें, आई फुलफिलिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। जी टाइपिंग स्पीड है इसमें 20 वर्ड पर सेकेंड है, तो इसको आपने मार्क करना है। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो सॉरी हमने ये रखते हैं, ये सारे मार्क किए हुए हैं इसलिए इसकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी, वरना वो आगे नहीं यहाँ से जाने देंगे। जी तो गाइस, मैं ये जल्दी जल्दी सारा डाटा यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि आपने अभी ये एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है। जी तो ये कंप्लीट हो गया, ये जितना भी डाटा मैंने इंटर किया ये जस्ट मैंने रैंडमली आपको दिखाने के लिए किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जी तो गाइस, नेक्स्ट जो था वो स्टेप नंबर 5 है। यहाँ पे आपने अपने एक्सपीरियंस डिटेल प्रोवाइड करनी है, अगर है तो ठीक है वरना ये ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ दें, अगर है तो आप लाजमी से फिल आउट करें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं कब से और कब तक था। देन जी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें हमारी फाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो सारा फॉर्म यहाँ पे हमें शो करेगा। हमने जस्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये सबमिट हो गई है और ये मुझे रोल नंबर भी इशू हो गया है, और ये कह रहे हैं कि ये नोट इट डाउन। जस्ट हमने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद ये हमने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से हमने प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेना है। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।